माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे माननीय श्री सोमनाथ भारती जी और यहाँ उपस्थित सारे MLA, मेरे लिए इस तरह का समारोह नया है। मुझे ऐसा सम्मान पहले कभी नहीं मिला। चारों तरफ केजरीवाल सर और सिसोदिया सर के साथ मेरे पोस्टर लगे हुए हैं। आज आप सभी लोगों के बीच में रहकर थोड़ा भावुक और काफ़ी नर्वस महसूस कर रहा हूँ। मेरी पूरी अपब्रिंगिंग दिल्ली में हुई है। मॉडर्न स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन करी। मैं 7 साल का था जब मैंने पहली बार टेनिस रैकेट पकड़ा। शुरू के 5 साल मैं अपने स्कूल में टेनिस खेलता था। फिर काफ़ी साल मैंने दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन में ट्रेनिंग करी और पिछले 10 सालों से मैं श्री फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जब से मैं जूनियर्स में इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहा हूँ, तब से दिल्ली सरकार की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से मुझे मदद मिलती रही है। डायरेक्टरेट के श्री प्रदीप तायल जी भी आज यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ और मेरी कामयाबी में दिल्ली का बहुत बड़ा योगदान है। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं बड़े होकर इंडिया के लिए टेनिस खेलूं। कितने बच्चे छोटी उम्र में स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं। कोई सचिन बनना चाहता है तो कोई सानिया, कोई सरदार सिंह बनना चाहता है तो कोई PT उषा, पर इनमें से अधिकतर बच्चों को अपना सपना पूरा करने के लिए सपोर्ट नहीं मिलती। मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे माता पिता का पूरा सपोर्ट मेरे साथ था। मेरी कमिटमेंट से ज़्यादा उनकी कमिटमेंट ज़रूरी थी। रोज़ मुझे टेनिस कोर्ट्स ले जाना, खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान लगवाना। स्कूल के दिनों में मेरी माँ मुझे देश विदेश के अलग अलग कोनों में टूर्नामेंट्स खेलने के लिए ले जाया करती थी। और टेनिस जैसा खेल के लिए फाइनेंशियल कमिटमेंट तो चाहिए ही है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उनका अनकंडीशनल सपोर्ट कि अगर मैं टेनिस खेलना चाहता हूँ तो वो मेरे साथ हैं। बाकी पेरेंट्स की चिंता भी सही है। 10-15 साल पहले स्पोर्ट्स में कोई पैसा नहीं था, रिकग्निशन भी काफ़ी कम थी, तो पेरेंट्स यही चाहते थे कि बच्चे पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी कर लें तो लाइफ में वो सेटल हो जाएंगे। आज ऐसा नहीं है। इंडिया स्पोर्ट्स में काफ़ी तरक्की कर रहा है। हर हिंदुस्तानी सिर्फ क्रिकेट में नहीं पर हर अलग अलग स्पोर्ट्स में दिलचस्पी ले रहा है। इंडिया में लगभग सारे स्पोर्ट्स में लीग मैचेस शुरू हो गए हैं। गवर्नमेंट का भी खिलाड़ियों की तरफ काफ़ी सपोर्ट बढ़ रहा है। आज दिल्ली सरकार मेडल विनर्स को जो रिकग्निशन और कैश अवार्ड दे रही है, उसको देखकर बच्चे तो स्पोर्ट्स खेलना चाहेंगे ही, पर उनके माँ बाप बेझिझक उनको सपोर्ट कर सकते हैं। पच्चीस सालों की मेहनत के बाद मुझे ये सफलता आज प्राप्त हुई है। एशियन गेम्स में जब भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता तो ऐसे लगा कि एक सपना साकार हो गया। पोडियम पे खड़े हमारा नेशनल एंथम बज रहा था और साथ ही साथ भारत का झंडा ऊपर लहरा रहा था। वो क्षण मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे फिटनेस ट्रेनर आनंद सर यहाँ हैं, उनके साथ मैं पिछले 12-13 सालों से काम कर रहा हूँ। वो भी वहाँ पे टीम के साथ थे। मैं बताना चाहूँगा कि उनको वहाँ पे डेंगू फीवर था। वो रोज़ दिन में तीन बार ड्रिप लगवाते थे और फिर भी लेकिन प्लेयर्स को पूरी सपोर्ट करते थे, जो काम था वो पूरा करते थे उनके साथ। मेरा पूरा परिवार है यहाँ पे। मेरे बाबा जी, दादी जी, मेरे पेरेंट्स यहीं हैं। अनुज मेरा भाई, उसकी वाइफ नेहा, मेरे चाचा नकुल शरण जी, चाची नीरज, चारू सब यहाँ हैं। उन सब ने अपनी तरफ से मेरे को पूरी लाइफ में काफ़ी सपोर्ट दिया है। मैं दिल्ली सरकार का एक बार फिर इस सम्मान के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी के प्रोत्साहन और आशीर्वाद से मैं देश का और दिल्ली का नाम ऐसे ही रोशन करता रहूँ। जय हिंद।